हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जीएसटी लीगल अपडेट्स यानी कि लॉ में क्या क्या अपडेट्स आए, और उसमें भी जजमेंट के हम चर्चा करेंगे। ये केस क्या है कि ये केस है आईटीसी ऑन फेक इनवॉइस डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट राजस्थान। राजस्थान के हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, एक कंपनी ऐसी पकड़ी गई है जो कि फेक इनवॉइस पे, गलत इनवॉइस पे, गलत बिल ऑफ सप्लाई पे इन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। इस केस में हम आपको कहेंगे कि आप पूरी वीडियो देखिए और इसमें देखिए कि क्या गलती की थी, क्या गुनाह थी और कोर्ट ने, जज ने क्या जजमेंट दिया। इससे देखने के लिए, इसे पूरा जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखने पड़ेगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो प्लीज 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 आईटीसी आप मत लीजिए। अगर आपका जीएसटीआर 2A पोर्टल पे नहीं दिखता है और अगर आपने ले लिया है तो विद इंटरेस्ट उसे रिटर्न जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियोज को, अपने मैटर को, इस केस का स्टडी हम करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। सबसे पहले मैं बताऊं आपको, ये हाई कोर्ट राजस्थान का है जिसको जयपुर बेंच ने किया है और ये रिट नंबर 76/2019 है। और इसमें केस था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया गया फेक इनवॉइस के ऊपर और राजस्थान हाई कोर्ट ने इस केस को डिसमिस किया 1,00,000 रुपये पेनल्टी लगा करके पेटिशनर पे, यानी कंपनी के मालिक को। तो आइए हम जानते हैं कि क्या है केस। सबसे पहले मैं बताऊं, इसमें पेटिशनर है भरत राज पुंज, सन ऑफ लेट ब्रिज राजकुंज, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेसर्स लील इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का, जिसका कॉर्पोरेट ऑफिस ओखला इंडस्ट्रियल एरिया न्यू दिल्ली है, बट ये कंपनी जो है वो भिवाड़ी में है। इसके साथ वर्सेस है भारत राजपुंज वर्सेज कमिश्नर ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट जयपुर का, सुपरिंटेंडेंट भी है जयपुर के जीएसटी के, और कमिश्नर सेंट्रल जीएसटी के हैं अलवर के, साथ ही अलवर के सुपरिंटेंडेंट भी हैं। इनके तरफ से, पेटिशनर के तरफ से, यानी लील इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भारत राजपुंज के तरफ से मिस्टर आर एन माथुर सीनियर एडवोकेट, अपने जूनियर मिस्टर विजय चौधरी, मिस्टर असीम चतुर्वेदी और मिस्टर अनंत प्रिया जैन के साथ प्रेजेंट हुए थे। साथ ही सरकार की तरफ से, रेस्पोंडेंट के तरफ से मिस्टर सिद्धार्थ रंका एडवोकेट थे। आइए अब हम देखते हैं कि क्या हुआ है उस केस में। और इस केस के जस्टिस हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पंकज भंडारी, और उनका ये जजमेंट है जो 12 मार्च 2019 को आया। हम जानते हैं फैक्ट्स क्या है, क्या केस था, मुद्दा क्या है। मुद्दा था कि पेटिशनर ने, द पेटिशनर नंबर वन इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मेसर्स लील इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, लील इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का डायरेक्टर है पेटिशनर। और पेटिशनर टू जो है, जो गवर्नमेंट के तरफ से है, वो है द सीजीएसटी डिपार्टमेंट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने 17 जनवरी 2019 को पेटिशनर की कंपनी जो कि भिवारी राजस्थान में है, वहां पर रेड मारी थी कंपनी के प्रेमिसेस में। आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ कंपनी, कंपनी के ऑफिसर्स के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। एज पर द केस ऑफ डिपार्टमेंट, द कंपनी हैड फ्रॉडेंटली अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ रुपीज 40.53 crores बाय इश्यूएंस ऑफ फिक्टिशियस सेल इनवॉइस। कंपनी ने 40.53 crore रुपये का आईटीसी अवेल कर लिया, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया किस्त के थ्रू, तो गलत इनवॉइस को जनरेट करके। और कंपनी की सिस्टर कंसर्न कंपनी भी थी जो कि
पेटिशनर कंपनी ने वहां भी फ्रॉड के साथ क्या किया, उसमें भी आईटीसी को रुपया 328 करोड़ रुपए का आईटीसी ले लिया। तो ये केस था दोस्तों, जिसे हम समझ चुके हैं कि केस क्या हुआ था। अब यहाँ पे आते हैं कि डिसीजन जज ने क्या दिया, डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि पेटिशनर हैज क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन फेक इनवॉइस, गलत इनवॉइस पे पेटिशनर ने आईटीसी लिया, व्हिच फैक्ट इज नॉट कन्वर्टेड कंट्रोवर्टेड बाय द पेटिशनर, हेंस डिपार्टमेंट हैज ऑल राइट्स टू टेक एनी एक्शन परमिसिबल बाय लॉ। कहता है कि ऑफिसर्स जो हैं उनके पास राइट है, एज पर लॉ उन्हें परमिशन है कि वो कोई भी एक्शन पेटिशनर के खिलाफ ले सकते हैं, यानी कि लीन इलेक्ट्रिकल्स के खिलाफ, क्योंकि जो भी रिप्लाई उन्होंने बताया, जो फैक्ट ऑफिसर्स ने, कंपनी के ऑफिसर्स ने दिया, वो पर्याप्त नहीं था, नियंत्रित नहीं था। द कंटेंशन दैट द टैक्स इज टू बी फर्स्ट डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 73 एंड 74 ऑफ द एक्ट does not have any force for the very reason that is an offence committed under section 132 of the act. Determination of tax is not required and the department can proceed straight away by issuing summon or if reasonable grounds are available by arresting the offender. देखिए यहाँ पे सेक्शन 73 और 74 जो एक्ट कहता है, 73 और 74 करता है डिटर्मिनेशन करने के लिए टैक्स के बारे में कि कितना पेड किया है, कितना नहीं पेड किया, शॉर्ट पेड किया या रोंग आईटीसी लिया, एक्सेप्ट फ्रॉड। यानी सेक्शन 73 कहता है कि फ्रॉड का उद्देश्य नहीं था और गलती हो गई है, वो कवर करता है, और 74 कहता है कि फ्रॉड के उद्देश्य से गलती की गई है। तो एक तो 73 और 74 को देखते हुए सेक्शन 132 जो है यह डिटरमिनेशन के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको मैं बताऊं सेक्शन 132 जो है सो पूरा लीगली जेल वगैरह की सजा है, जिसमें 6 महीने से लेके 5 साल तक की जेल ये और जेल के साथ साथ पेनल्टी भी हो सकती है। उस चीज को कवर करते हुए इन्होंने, डिपार्टमेंट ने ये चीज देखा कि इन्हें समन किया और इन्हें अरेस्ट कर दिया गया। ज्यादा इसमें कोई जान नहीं थी केस में, सिंस ऑफेंस अंडर सेक्शन 132 इज मेड आउट एंड सीनियर ऑफिसर्स ऑफ कंपनी आर हैज द राइट टू प्रोसीड अंडर सेक्शन 69 एंड 70 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 69 एंड 70 जो होता है वो सम्मन देने के लिए होता है, और 69 कहता है कि सम्मन देने के बाद आप सम्मन देना है। साथ ही 69 में क्या होता है कि कोई आपको ऑफिसर अरेस्ट करेगा, और इसमें बहुत सारे, ये थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है, इसका मैं अलग से आपको वीडियो दे दूंगा। और 69 में ये भी है कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है, और अरेस्ट करने के 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के अंदर सामने पेश किया जाता है, और मजिस्ट्रेट आपको बेल भी दे सकते हैं। यानी कि नॉर्मल इजीली केस पे देखा गया, क्योंकि केस में उतनी कोई जान नहीं थी इसलिए ऐसा किया गया। द हाई कोर्ट डिड बिहाइंड बार्स पेटिशनर बीइंग मैनेजिंग डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल एंड डिपार्टमेंट नॉट फाइंड एनी मेरिट इन रीड पेटिशन एंड हेंस डिसमिस्ड इट विद कॉस्ट ऑफ रुपीज 1 लाख ओनली। और पेटिशनर जज ने हाई कोर्ट ने कोई खास इसमें नहीं देखा और इन्हें डायरेक्टर को, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया और उन्हें रिस्पॉन्स करना पड़ा, मतलब दोषी वही का ठहरे। साथ ही वैसी कोई मेरिट नहीं थी इस पेटिशन में, इस रीट में, इसलिए इन्हें ओनली ऑन 1 लाख रुपीज पेनल्टी लगा करके इस केस को डिसमिस कर दिया गया था। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट एक बार री रिक्वेस्ट करूंगा, पुनः निवेदन करूंगा कि जीएसटी की लॉ जो है सो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है, टैक्स चोरी को रोकने के लिए है। जीएसटी बहुत टाइट रूल है और ये पोर्टल पे सब कुछ दिखता है, आपके गवर्नमेंट सब चीज देख रही है, आपका डिपार्टमेंट आप क्या कर रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन कि प्लीज आप कोई भी आईटीसी गलत इनवॉइस एंट्री वगैरह मत करिए। फंसने के बाद अगर आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाएंगे
तो ये सारे सेक्शन 132 सेक्शन बहुत ही हार्ड सेक्शन है जो कि आपके अप्लीकेबल होगी, जो पहले आपके बिजनेस प्रोफाइल में नहीं होते थे, यानी कि पहले भी रूल तो एक्साइज में भी था बट थोड़ा ढीला हो गया था, बट अभी प्लीज अवेयर रहिए। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि सभी लोगों को नॉलेज हो सके और गलती करने से, ऑफेंसेस करने से बचें, और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ना करना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।